दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी नेटवर्क और सोनी नेटवर्क के बीच में जो मर्जर हो रहा है और जिसको कि अप्रूवल भी मिल गया है। दोस्तों ऐसा क्या कारण है कि जो तीन चैनल्स जी नेटवर्क और सोनी नेटवर्क के द्वारा बेचे जा रहे हैं इन तीनों चैनल्स को दो बड़े ब्रॉडकास्टर्स नहीं खरीद सकते। दोस्तों केवल इसी पर हम फोकस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आपको डिटेल में हम बताएंगे कि आखिर में वो क्या कारण है कि दो बड़े ब्रॉडकास्टर्स ये तीनों चैनल्स को नहीं परचेस कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों हमने पहले भी आपको बताया था कि जी नेटवर्क और सोनी नेटवर्क जो आपस में मर्ज होंगे तो जो तीन चैनल्स हैं दोस्तों वो बंद हो जाएंगे, यूं कहें कि इनको सेल कर दिया जाएगा। वो चैनल्स हैं बिग मैजिक, जी एक्शन और जी क्लासिक। अब सवाल अपने माइंड में ये आता है दोस्तों कि जो ये तीन चैनल्स हैं आखिर में क्यों ओपन नहीं है सबके लिए खरीदने के लिए, और वो क्यों बड़े ब्रॉडकास्टर्स को खरीद नहीं सकते हैं, उनका भी नाम हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो उसका कारण यही है दोस्तों कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो इस तरह के बड़े डील्स को कंट्रोल करता है, उसने कुछ शर्तों के साथ इन कंपनियों को अलाउ किया था कि वो इस डील में आगे बढ़ें, और जो शर्तें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से रखी गई थी जी नेटवर्क और सोनी नेटवर्क ने उनको मान लिया है, और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि ये तीन चैनल्स बेचे जाएंगे। ये तो हो गई दोस्तों एक बात। दूसरी बात उसी शर्त में ये भी थी दोस्तों कि जो ये तीन चैनल्स बेचे जाएंगे उसमें एक कंडीशन रखा गया, ये तीन चैनल्स दो बड़े ब्रॉडकास्टर्स को नहीं बेचे जा सकते। वो दो बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं दोस्तों स्टार इंडिया और वायकॉम 18। आप सोच रहे हैं कि स्टार इंडिया और वायकॉम 18 ही क्यों, उसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि जो ये दो बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं ये राइवलरी ब्रॉडकास्टर्स हैं इन दो कंपनियों के, यानी जी नेटवर्क के और सोनी नेटवर्क के। तो CCI की तरफ से जो सुझाव दिए गए दोस्तों सोनी नेटवर्क और जी नेटवर्क को, उसको मानते हुए उन शर्तों का पालन करते हुए इन कंपनियों ने ये माना कि जो ये चैनल्स बेचे जाएंगे वो स्टार इंडिया और वायकॉम 18 को नहीं बेचे जाएंगे। यानी कि दोस्तों कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ इस मर्जर को मंजूरी दे दी गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। और आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस मर्जर के बारे में, और आपके मन में क्या सवाल है इस मर्जर के बारे में, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और अपनी राय भी रख सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।